चपेट में है। इस बीच आसमानी आफत की कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सैलाबी सितम, जल प्रलय से मचा हाहाकार। उफान पर नदियां, डूब गए गांव। आफत में जान, जिंदगी लाचार। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। क्या शहर क्या गांव, आसमानी आफत ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कें दरिया बन गईं, कई इलाकों ने जल समाधि ले ली। झारखंड में मॉनसून की वापसी इतनी डरावनी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां बारिश के बाद तीनों घाट डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दामोदर नदी उफान पर है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि डैम का गेट खुलने से इसका नजारा भी काफी मनमोहक हो गया है। गिरिडीह से बारिश के बाद दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में कई ट्रैक्टर फंस गए। मामला जिले के मटरुखा का है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन नदियों से अवैध बालू का उठाव नहीं रुका। ऐसे में बालू उठाव के दौरान ही ट्रैक्टर बराकर नदी में फंस गए। गनीमत ये रही कि जलस्तर बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर किसी तरह ट्रैक्टर से बाहर निकल गए। जमशेदपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिले में अब बाढ़ का खतरा लोगों को डरा रहा है। स्वर्णरेखा और खरकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उड़ीसा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देख जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए अब गुमला में हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बारिश से बसिया, भरनो और बिशुनपुर प्रखंड में पुल का डायवर्जन बह गया और कई कच्ची मिट्टी का घर भी ध्वस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का निरीक्षण किया, जहां नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी भी उफान पर है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरने का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। झारखंड में बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने झरनों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा दिया है और झरनों का नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजधानी रांची के सबसे ऊंचे हुंडरू वाटरफॉल का। हुंडरू फॉल में स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी में आए बहाव और उफान से हुंडरू फॉल का नजारा बेहद दिलकश हो गया है। हुंडरू फॉल की तरह ही जोन्हा और सीता वाटरफॉल की खूबसूरती भी लोगों का मन मोह रही है। लोग इस आकर्षक नजारे को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों से फिलहाल झरनों और नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। झारखंड में अभी बारिश से लोगों को राहत भी मिलने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि आसमान से बरस रही आफत से बचने के लिए शासन और प्रशासन की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
रामगढ़ में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बड़का गांव में तितरिया नाला पर बना पुल टूट गया है। पुल ध्वस्त होने से आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीणों को दूसरी तरफ से जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। दो दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीसीएल उरीमारी से सटे जर्जरा के तेतरिया में। आप देख सकते हैं तेतरिया में पुल जो है ध्वस्त हो गया है। इसके कारण जो है आवाजाही बाधित है। आप देख सकते हैं इस पुल का इससे पहले निर्माण जो है सीसीएल द्वारा करवाया गया था। 2017 के भारी बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था, उसके बाद रिपेयर करके ये पुल किसी तरह से चल रहा था। जर्जरा से गरसुल्ला और करीब 10 गांव टोले लोगों का आवाजाही जो है इसके कारण जो है ठप है। और यहां से कुज्जू रामगढ़ जिले का और गिद्दी और इस तरफ में उरी मारी और सियाल इसी रास्ते से ग्रामीण आना जाना करते हैं। 3 तारीख की जो बारिश हुई है, भारी बारिश से तबाह जो हुई है उसी से पुल ध्वस्त हो गई है। यह मेन रोड है, मेन लाइन है, एक ही मात्र रोड। हजारों लोग डिप्टी गिद्दी से सोशल कर्मी लोग आना जाना कुज्जू, उसके बाद आपका नईसराय से लेके रामगढ़ और उरी मारी के बीच जोड़ती है लाइन। अभी तो मुश्किल से बहुत मतलब ग्रामीण लोग कुछ तो जैसे तैसे पार हो जा रहे हैं, मतलब डूब करके भी कोई पार हो रहा नहीं तो फिर घूमते हैं। तो 8-10 किधर से जा रही है? गाड़ी जाने के कोई विकल्प नहीं है अभी। कितना भारी बारिश हुआ है इस पुल को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पुल जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। और 10 से अधिक गाँव टोले को लोगों का जो रास्ता है बंद हो गया, यानी कि जर्जरा होकर बड़का गाँव और गिद्दी होकर के कुज्जू रामगढ़ नईसराय और इधर में सियाल उरीमारी लोगों का आना जाना बंद हो गया है। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण जो है राज्य सरकार या सीसीएल कराए, चूँकि ये पूरा इलाका जो है सीसीएल का है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर।